हेलो मेरे दोस्त। तो आज हम फिर से एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जो कि वन साइड हेयर कटिंग है। तो आप पहले के बाल देख ही चुके हैं किस तरीके का और कैसे काटना है। तो आपको यहाँ से इस तरीके से एकदम गोलाई में 1.5 इंच करीब में पूरे बाल कटिंग करना है। 2 नंबर क्लिप है ये। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोग सीखें आसान तरीक़े से। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना ताकि कुछ सीख मिले, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और आप इस तरीके का कटिंग करवा भी सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से सिंपल कटिंग में ही आएगा और थोड़ा सा स्टाइल भी होगा जो भी। तो आप लोग ध्यान से देखें, दोनों साइड से सेम ही कटिंग करना है। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। पहले जैसे कि हम बताए तो उस साइड उतना पूरे चारों साइड से आपको कर लेना है कटिंग। उसके बाद आप कैंची से हम बता रहे हैं किस तरीके करना है। आज स्लोप करने का खास कर ध्यान रखें, स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको छूट जाएगा इसकी मतलब स्टेप, तो आप लोग से हो नहीं पाएगा या सीख नहीं पाएंगे सही ढंग से। इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। और यहाँ पे लाइनिंग आप लोग एकदम पूरे सीधा लाइनिंग दें, हल्का भी लाइनिंग टेढ़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लाइनिंग आप लोग खास कर ध्यान रखें कि सीधा अस्तूरा चलाना है इस तरीक़ा से, एकदम हल्का ही लें। और जो अंगूठा है बाएं हाथ का, उससे आपको थोड़ा सा तनाव करना है उस साइड, बाएं साइड की ओर। उसके बाद अस्तूरा सिर्फ आपको रखना है वहाँ पे, आपका जो फिंगर है अंगूठा है वही आपका काम कर देगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही लेना है ताकि बाद में बाल निकले नहीं, भद्दा नहीं लगे देखने में। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ऐसे काम करें। और जो यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा गोलाई सिर्फ करना है, ज़्यादा बाल को यहाँ पे नहीं शेविंग करना है या छीलना है। पहले गोला पूरा हो चुका है तो आप लोग पूरे देखना। और यहाँ पे खास करके यहाँ पर कंघी को देखना, कंघी का ध्यान देना, कंघी किस तरीके से फंसा रहे हैं देख लें। यहाँ पर कंघी एकदम खड़ा होना चाहिए स्लोप में। तो यहाँ पे आप इस तरीके का बाल काट दिए, देखिए बाल स्लोप हो रहा है। अगर आप जीरो से या फेड कटिंग काट रहे हैं तो इसी तरीके से स्लोपिंग करेंगे। और वहाँ पे जीरो का कटिंग हम वीडियो बहुत सारा डाल चुके हैं, जो कि आप देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम काट दिए हैं। और इसका इसको थोड़ा सा और मिलाएंगे, जो कि बाल पूरा नहीं मिला है अभी, बाल में बहुत ही बड़ा था बाल, जिस कारण थोड़ा सा भद्दा लगा देखने में, बाल नीचे से टेढ़ा हो जाता है बाल। तो उसको ध्यान रखते हुए कटिंग पूरी फिनिशिंग ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। इस तरीके से बाल मिला दिए हैं, बाल मिल चुका है। आपको लग रहा होगा कि नहीं मिला है, हमारा ऐसा नहीं है, बाल मिल चुका है। तो इस चीज़ को आप लोग लास्ट में देखेंगे। इसी तरीके से आप पूरे चारों साइड से कटिंग करना है। और दूसरे साइड जो है उधर सिंपल बनेगा, एक साइड तो वन साइड हो गया, एक साइड सिंपल बनेगा। तो इसको बड़ा बाल में हम सिंपल कैसे करें वो हम आपको बताएंगे। और ख़ास करके आप लोग ध्यान रखें काम पे कि हम कैसे कर रहे हैं काम, क्योंकि रिजल्ट तो लास्ट में मिलने वाला है, अभी तो काम हो ही रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और कोई भी स्टेप ना छोड़ें। और दूसरी साइड आ गए, दूसरी साइड देख लें। इस साइड लाइनिंग यार कुछ नहीं देना है आपको, नॉर्मली मैं बाल को स्लोप इस साइड कैसे करना है तो ये आपको भारी पड़ सकता है। इसलिए आप लोग स्टेप को बार बार स्किप मत करें और पूरी देखें। और हम कल जो है लेज़र कटिंग लेकर आएंगे, जो कि सबसे अलग कटिंग है और आसान तरीक़ा से बताए हैं, जो कि 2 मिनट में आप बाल काट सकते हैं। लेज़र कटिंग इतना आसान से कोई नहीं बताएगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हम उस वीडियो डालें और आप लोग तक पहुंच जाए तुरंत। यहाँ आप देख लें, एक कैंची में ही आपका स्लोप दिखाई देने लगा है। तो इसी तरीके से करना है। जो बाल थोड़ा मोड़ा नहीं मिल पा रहा है तो उसको आपको मिला दें सही ढंग से। और जो हम काट चुके हैं इसमें जो है ऊपर वाला बाल को मिलाना है, स्लोप करना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे ये कैसे करें हम। वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक
देख ले उस साइड, अगर नहीं आप लोग सीख पाए होंगे इस साइड आपको बता दिए हैं स्लोप कैसे करना है। तो यहाँ प्रॉन्डिंग देख लें, एकदम हल्का सा ही भी लेना है जितना कि अभी हम ले रहे हैं, ताकि बाद में बाल निकले नहीं और भद्दा नहीं लगे देखने में। इसलिए बाल काम को पूरा देखेंगे तभी आप लोग सीख पाएंगे। राउंडिंग में खासकर ध्यान रखें, कान के ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, राउंडिंग एकदम सटा हुआ ही होना चाहिए, हल्का से ही लेना है आपको। दोनों साइड से सेम होना चाहिए राउंडिंग, आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। देखो हल्का से ही लेना है, ज़्यादा ऊपर नहीं, सेम लेना है, दोनों साइड का सेम राउंडिंग होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे अस्तूरा कैसे चलाते हैं वो भी बताएंगे, बगैर पानी के लगाए हुए सेविंग करेंगे फिर भी दर्द नहीं करेगा हल्का भी, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख लेंगे एकदम हल्का सा लेना है, देख लें यहाँ पर एकदम तिरछा अस्तूरा होना चाहिए, अंगूठा जो है उससे ऊपर की ओर खींचना है स्किन को, और ब्लेड अपने आप आगे बढ़ते चले जाएगा। देख लें हम पानी कहीं भी नहीं लगाए हैं, आप देख रहे हैं ये चीज़। आप लोग काम पे खास ध्यान देंगे, सिर्फ काम पे ध्यान देंगे तो आप लोग कोई तरह दिक्कत नहीं होगा। देख लें आप पानी लगाने के बाद भी दर्द करता है, यहाँ पर पानी का हम सेविंग कर रहे हैं, कोई तरह दिक्कत नहीं है, तो आप लोग देख लें, अंगूठा देखें और अस्तूरा देखें, दो चीज़ पर आप लोग ध्यान दें, फोकस डालें। ये हो गया, अब हम दूसरी बार बताएंगे कि आपको ऊपर के जो बाल है उसको हम स्लोप कैसे करें और मिलाना कैसे है, हम वो बताएंगे आपको। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें पूरे, और कोई नया कटिंग चाहिए आप लोग को तो कमेंट कर बता सकते हैं। और भाई साहब कुछ कोई भाई साहब कमेंट भी किए थे कि सिंपल कटिंग मेरे पास आता नहीं है, ज़्यादातर पूरे सिंपल नहीं आता है, अगर आता है तो हम जरूर डाल लेंगे। आप लोग देख लिए हैं, और इसमें कैसे इसको ऊपर वाले बाल को मिलाएंगे और बताएंगे। यहाँ पे आप लोग फिंगर पे और कैंची पर ध्यान देंगे, काम को स्किप मत करें कहीं भी, क्योंकि हर एक जगह कोई ना कोई स्टेप है, कहाँ पे कौन सा स्टेप है आपको पता नहीं है, इसलिए स्किप मत करें। और यहाँ पर देख लें कभी भी बाल को जो है आपको कुछ सीधा कटिंग करना है, जैसे कि अभी यहाँ पर देख लें बाल, देखिए पूरे एकदम स्ट्रेट है, आगे से इस तरीके से काटना है, स्ट्रेट में सीधा में ही जो हम काटते हैं अभी इसी के अनुकूल पीछे बाल सेम उठाना है, सेम कटिंग करना है। इस तरीके से काट दिए हैं, अब जो दूसरी बाल जो हम उठाएंगे आगे से, तो जो हम काट चुके हैं उसके अनुकूल एकदम बराबर ही काटेंगे। देख लें यहाँ पे जो काट चुके हैं उसके अनुकूल एकदम बराबर काटना है, और जो अगला स्टेप है तो आपको वहाँ पे स्लोप मिलाना कैसे है, दूसरी साइड एक साइड तो वन साइड हो गया, दूसरी साइड कैसे मिलाना है, तो आप लोग यहाँ पर फिंगर पर खास कर ध्यान देंगे, इसमें कैसे मिलाना है हमको। आप देख लें फिंगर देख लें किस तरीके से स्लोप है, इसी तरीके से पीछे के बाल भी इसी तरीके से काटेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि बाल जो है मिला है या नहीं मिला है, तो पहले बाल को सोट लेंगे उसके बाद देखेंगे। यहाँ पर देख लें हम सोट रहे हैं, तो बाल आपका पूरे तरीका से नहीं मिला है बाल। यहाँ पर देख लें फिर से वही स्टेप रहेगा जो कि थोड़ा सा और नीचे रहेगा, देख लें बचा हुआ है। मैन यही था मिलाना, आप लोग देख चुके हैं पूरे बाल मिल चुका है, जो देखिए ये है तो छिपी को थोड़ा सा ले लेंगे, बाल पूरे मिल चुका है, और अब फाइनल बाल देख सकते हैं पहले किस तरीके था अब किस तरीके का है। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना।
बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको दूसरा वीडियो मिल सके देखने को सीखने को। देखिए पहले के बाल किस तरीके का था, अब कैसा है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन का प्रेस ज़रूर करना ताकि आप लोग को दूसरा वीडियो मिल सके और सीख सकें।